हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा है और आपको सारी चीज़ें समझ में आई है जो मैंने HTML का ओवरव्यू दिया था वहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए मैं कुछ अभी दिखाना चाहता हूँ आपको। ये सारे मेरे टॉपिक्स हैं और हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ एक एक वीडियो में देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिटेल में एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पहला देखेंगे हेडिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ये हेडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए सिंपली पहली चीज़ तो HTML, जब मतलब आपको जब वेबसाइट बनानी है तो आपके आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो HTML, दूसरा है CSS और तीसरा है जावास्क्रिप्ट। और मैं ये एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ या दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक वेबसाइट है, तो यहाँ पर एक मेरे फ्रेंड की वेबसाइट है ये। तो ये वेबसाइट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको जो दिख रहा है यहाँ पर हेडर दिख रहा है ऊपर ब्लैक कलर में। तो हेडर में देखिए ये लोगो है, या फिर यहाँ पर देखिए मेनूज है, इसमें सोशल लिंक्स है, फिर देखिए यहाँ पर ये पूरा बैनर आ रहा है। अब बैनर में फिर से हेडिंग है, यहाँ पर देखिए फिर से पैराग्राफ है, एक बटन है। तो ये चीज़ें देखिए, अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक इमेज आ रहा है, यहाँ पर फिर से एक हेडिंग आ रही है, फिर एक सब टाइटल है, फिर एक पैराग्राफ है, फिर से एक बटन लिंक है। ओके, अगर वापस स्क्रॉल करोगे तो देखिए फिर से एक बैकग्राउंड में एक इमेज आ रही है, यहाँ पर फिर से हेडिंग है। तो बस मुझे सिर्फ आपको ये दिखाना है कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होने वाली है। तो देखिए ये कुछ इस तरह है, आपका डिज़ाइन अलग हो सकता है 100%, लेकिन वेबसाइट में जो भी चीज़ें यूज़ होती है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, एक लोगो यूज़ हो रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर जो है जो यूज़ हो रहा है वो इमेज है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि HTML में इमेज कैसे डालते हैं, उसके लिए अलग से टैग होता है। तो यहाँ पर देखिए मेनू आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए हैंड आ रहा है मेरा और लिंक से, इसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए अबाउट अस का पेज ओपन हो जाएगा और ये लिंक ओपन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो डाला है होम, अबाउट अस, आवर मेनू, कॉन्टैक्ट अस, ये कैसे डाला है, तो इसके लिए क्या यूज़ होता है HTML के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हमें सीखनी है। तो पहले हम लोग HTML में पूरा कोर्स वो ही देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे डाल सकते हैं, कौन से चीज़ों के लिए क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। जैसे हेडिंग के लिए देखिए यहाँ पर उन्होंने कुछ H1 वगैरह ऐसा कुछ यहाँ पर यूज़ किया हुआ है 100%। तो ये जो दिख रहा है फ्रेश हेल्दी डिलीशियस जो टेक्स्ट आ रही है, इसके लिए उन लोगों ने हेडिंग के टैग्स यूज़ किए HTML के अंदर, जो रेडीमेड मिलते हैं हमें HTML में। फिर देखिए यहाँ पर सिंपल सी टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट जो है उनको शायद से ये पैराग्राफ यहाँ पर यूज़ किया होगा या फिर H2 H3 यूज़ किया होगा। तो सिंपली मुझे कहने का यही, मुझे दिखाने का यही मकसद है कि वेबसाइट में चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ों से एक वेबसाइट बनती है। जैसे मैंने कहा वेब स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो वेब स्ट्रक्चर बनाने के लिए वेबसाइट में कौन से चीज़ों के लिए क्या यूज़ होता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने ये लिख के रखी है, ये सारी चीज़ें HTML में वेबसाइट बनाने के लिए काम आती है। और ये सारे HTML के टैग्स के नाम है और अलग अलग प्रकार के टैग्स है, और उसको कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में बताऊंगा। तो पहले हम लोग देखेंगे हेडिंग्स वाला टैग, तो ठीक है। तो ये थोड़ा सा चाहिए तो आप देखो यहाँ पर URL भी है, आप देख सकते हो। ये चाहिए तो आप थोड़ा सा देख लो, ये कुछ इस तरह की वेबसाइट है। देखिए यहाँ पर भी हेडिंग है, यहाँ पर एक इमेज आ रही है, यहाँ पर ये पैराग्राफ आ रहा है। तो इन सभी के लिए HTML के टैग्स यूज हुए हैं। और ये जो दिख रहा है आपको डिज़ाइन बहुत ही स्टाइलिंग वगैरह सब, ये स्मूथली जो आ रहा है, ये सारा का सारा CSS का कमाल है। तो ये सब कुछ CSS से होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ CSS से स्टाइलिंग दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था कि एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले तो HTML के टैग्स, जो अभी मैंने बताया इमेज के लिए इमेज यूज़ करेंगे, हेडिंग के लिए हेडिंग यूज़ करेंगे, वो सारी लिस्ट है हमारे पास। दूसरी चीज़, इन सबको डालने के बाद हमें यहाँ पर हमारे पेज पे दिखेगा, करेक्ट, लेकिन उसको स्टाइल करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, फिर यहाँ पर ये सेंटर में ला के रखा हुआ है, इसको ग्रीन कलर है, होवर पे देखिए कलर चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है CSS से, ठीक है। अब ये दो चीज़ तो हम समझ गए कि हमें HTML डालना पड़ता है और CSS अप्लाई करना पड़ता है उस HTML के ऊपर, वो CSS वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब तीसरी चीज़ जो है वो जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट से क्या होता है,
अब जैसे देखिए यहाँ पर वैसे तो कुछ फंक्शनैलिटी वाला फंक्शनैलिटी जैसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं अगर इसमें जाता हूँ आवर मेनू के अंदर, तो यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे और मैं कुछ सर्च करता हूँ, देखिए मैं मुझे सर्च करना है बेसन लड्डू, ओके तो मैं बेसन लिखूंगा यहाँ पर, तो देखिए ऑटोमेटिकली सारी चीजें फिल्टर हो रही है। तो ये जो काम हो रहा है ये जावास्क्रिप्ट से होता है, ठीक है, या जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी से भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये जो है जावास्क्रिप्ट से होता है, ये फंक्शनैलिटी का काम है। तो मैं सिर्फ आपको यही दिखाना चाहता था कि एक वेबसाइट बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, पहला जो है HTML, दूसरा जो है CSS स्टाइलिंग करने के लिए, और तीसरा जो है जो अभी मैंने आपको दिखाया ऐसा कुछ, ऐसी कुछ फंक्शनैलिटी हमें डालनी पड़ती है वेबसाइट्स पे, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें सीखनी है स्टेप बाय स्टेप, और इस वीडियो से ये हमारी जो सीरीज होने वाली है ये HTML की सीरीज होने वाली है। तो फिलहाल पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे HTML के टैग्स किसके लिए क्या क्या टैग्स यूज होते हैं वो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में। तो फिलहाल अब इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो हेडिंग्स वाले टैग्स हैं, ठीक है, तो चलिए शुरू कर दें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज, मैं मेरे ख्याल से मैंने तो हेडिंग के टैग्स तो आपको ऑलरेडी बता दिए, फिर मैं फिर से बता देता हूँ। HTML के अंदर आपको अगर हेडिंग डालनी है आपकी वेबसाइट पे, मान लो आपके पास एक वेबसाइट का डिज़ाइन है और उस वेबसाइट के डिज़ाइन में तीन कॉलम्स है, मान लो यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ पर दूसरा कॉलम है और यहाँ पर तीसरा कॉलम है, तो तीनों कॉलम में आपकी एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, ओके यहाँ पर भी एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, और यहाँ पर भी एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, ऐसे तीन कॉलम्स है आपके पास। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो सबसे पहली चीज मुझे पता है हेडिंग के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मेरे पास HTML में हेडिंग टैग्स है तो मैं उसको यूज करूंगा। तो देखिए मैं H1 लिखता हूँ, सिंपली H1 का जो है ओपनिंग लिखना है और H1 यहाँ पर क्लोजिंग लिखना है, सिंपल। और इसके अंदर आपको जो भी आपका हेडिंग, जो भी नाम आप देना चाहते हो वो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडिंग 1, ओके इसके बाद इसको मैंने सेव कर लिया और मैं यहाँ पर जाके रिफ्रेश करूंगा तो ये सिंपली आपको दिखाई देगा हेडिंग 1 जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। इतना इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया। और ध्यान में रखना है जो भी आपको चीज लिखनी है आपके बॉडी के अंदर लिखनी है तभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, वरना वो सारी चीजें दिखाई नहीं देंगी, तो ये बात पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम समझ गए कि भैया ये H1 का जो H1 जो है वो एक हेडिंग का प्रकार है, मतलब इसमें 6 प्रकार के हेडिंग्स आते हैं, उसमें से मैंने H1 डाल दिया। अब मैं यहाँ पर डालूंगा क्या, HEADING, मुझे दूसरा हेडिंग चाहिए, तो इसके बाद मैं लिखूंगा हेडिंग 3, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आपका हेडिंग, मैं सिर्फ ये सैम्पल ऐसे ही लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप, अबाउट अस, या फिर दूसरा जो है क्या है, माई सर्विसेस, ओके और यहाँ पर जो भी चीज़ है, अभी मुझे कुछ वहाँ पे कुछ सूझ नहीं रहा है क्या लिखना, तो सिंपली मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर 6 प्रकार के हेडिंग्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए H4 आएगा और H4 में मैं यहाँ पे डालता हूँ H Heading 4, इसके बाद हम लोग फिर से डालेंगे H5, ओके और यहाँ पर मैं डालता हूँ H5, और हम लोग डालेंगे H6 और आएगा Heading 6। तो इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं जब रिफ्रेश करता हूँ तो ध्यान दीजिए Heading 1 जो है, मतलब हेड, मतलब जो H1 है वो बाय डिफॉल्ट दिखिए कुछ आपको इतना बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसको ब्राउजर स्टाइल लगता है जो बाय डिफॉल्ट लगता है, मैं अभी आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इंस्पेक्ट अगर आप करोगे और इसको थोड़ा नीचे रखते हैं और ये देखिए एरो क्लिक करना है, यहाँ पर ऑन करना है और यहाँ इसके एलिमेंट के ऊपर जाके क्लिक कर देना है, तो ये आपको H1 पे लेके जाएगा। और जैसे H1 पे लेके जाता है तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट एक ब्राउजर की जो स्टाइल है, यूजर एजेंट स्टाइल, ये बाय डिफॉल्ट लगती है और फॉन्ट साइज जो है 2 EM है, इस वजह से ये बड़ा दिखता है। तो जब भी आप पूरे HTML के पेज के ऊपर जब H1 डालोगे तो हमेशा आपको यही साइज में दिखाई देगा, ठीक है। जब आप H2 डालोगे तो आपको सिंपली ये साइज में दिखाई देगा। तो इसमें भी आप अगर चेक करोगे ये एरो ऑन करके इसको क्लिक करना है और देखिए फिर से ये H2 का जो है 1.5 EM है, तो इस वजह से ये सारे कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो CSS से हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि तीन मेरे कॉलम्स हैं, ठीक है ना, तो
अभी तीन कॉलम्स के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सबसे पहली चीज मान लो मैं मुझे तीन कॉलम्स बनाने हैं। अभी तो मैं नहीं बना सकता क्योंकि हम लोग यहाँ पर उसके लिए सीएसएस की जरूरत पड़ती है और हमें डिव स्ट्रक्चर भी आगे सीखना है। तो डिव क्या है वो डिव आगे हम लोग आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स है, तो ये इसमें हम लोग मैं डिव सिखाने वाला आपको, और वो वेब स्ट्रक्चर एग्जैक्टली बनता कैसे, क्या करते उसके लिए, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ये हेडिंग वाला वीडियो है तो इसमें थोड़ा सा हेडिंग ही देखते हैं, ठीक है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज देखिए, H1 से लेके H6 अलग अलग हेडिंग्स है। इसमें पूरे वेबसाइट में अगर आपको बार बार इसको रिपीट करना है, H2 को मान लो आपको नीचे भी H2 डालना है तो आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर कहीं और जगह डालना है तो आप डाल सकते हो। तो इस तरह भी आप HTML में आपके जो जो भी आपके हेडिंग्स जहाँ पर भी आपको चाहिए वो डाल सकते हो, वैसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जितना मैं एंटर कर रहा हूँ तो एंटर करने से यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है, यहाँ पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये सेम जो उसकी स्टाइलिंग है, मतलब जो ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल स्पेसिंग जो भी लग रहा है वो बाय डिफॉल्ट लगता है, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा लिखना है, इसको नीचे एंटर करके लिखना है, तो ये भी आप कर सकते हो, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इसको मैं सेव करके फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपका सेम अबाउट अस दिखाई देगा। तो ये सारी छोटी 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 चीज़ें हैं, और ये सिर्फ हेडिंग के लिए नहीं है, ये सारे टैग्स के लिए अवेलेबल है, सारे टैग्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। कोई भी अगर एचटीएमएल का आप टैग डालते हो तो ये सारी चीज़ें उस पर अप्लाई होती है, जो भी सारे रूल्स में अभी जो बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अभी इतना क्लियर है। तो अभी मान लो आपकी वेबसाइट पे तीन कॉलम है, ठीक है, तो मुझे तीन कॉलम के लिए एक हेडिंग और एक पैराग्राफ डालना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सिंपली H2 ले लूँगा, ओके। तो पहले हेडिंग का नाम है चलिए अबाउट माई कंपनी, ओके। और इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ टैग डालता हूँ, हालांकि मैंने आपको पैराग्राफ सिखाया नहीं है, वो अगले वीडियो में सिखाऊंगा, बट यहाँ पर भी आप देख सकते हो पैराग्राफ ऐसी बड़ी कुछ चीज़ नहीं है, सिंपली आपको पी ओपनिंग टैग रखना है और पी क्लोजिंग टैग रखना है, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ शॉर्टकट है, मैं बताता हूँ, देखिए लॉरम इप्सम तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो लॉरम इप्सम क्या है, एक सैम्पल टेक्स्ट के तौर पर, मतलब डेमो टेक्स्ट अगर आपको दिखानी है वेबसाइट पे तो आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है लॉरम, और यहाँ पर कीबोर्ड पे टैब प्रेस करना है, तो ये आपको पूरा का पूरा एक पैराग्राफ निकाल के देता है, ठीक है ना। और यही चीज़ मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, इसके आगे फिर से पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं सेव करूँगा और यहाँ पर जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए मैंने क्या कहा कि आपकी वेबसाइट पे मुझे तीन कॉलम्स बनाने हैं, राइट, और तीन हेडिंग्स आने वाले हैं और तीन पैराग्राफ आने वाले हैं। तो ये पहला वाला तो मैंने बना लिया, अब मैं इसको कॉपी करूंगा और इसके नीचे मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ, और इस H2 के अंदर मुझे दूसरा अगर डालना है हेडिंग, मेरा दूसरा हेडिंग मैं डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे सर्विसेज दिखाई दे, तो यहाँ पर फिर से मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर जाके रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरी सर्विसेज भी आ गई, ठीक है। इसके बाद फिर एक बार मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और मैं चाहता हूँ इस बार मेरा कॉन्टैक्ट जो एड्रेस है वो दिखाई दे, CONTACT, ओके। तो मैं कॉन्टैक्ट अस हेडिंग लिख रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए तीन कॉलम्स बाजू बाजू में तो नहीं आ रहे, लेकिन जैसे भी आप डाल रहे हो यहाँ पर, जैसे पहला वाला डाला आपने, दूसरा डाला, तीसरा डाला, तो ये एक के नीचे एक आता है। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको CSS की ज़रूरत पड़ती है, वो हम CSS में सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आप HTML में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप आपका जो HTML का मार्कअप है कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये बाजू बाजू में कॉलम्स अभी नहीं आएंगे, लेकिन आप अपना मार्कअप जब भी हम लोग वेबसाइट सीखना या बनाना शुरू करते हैं तो हम लोग स्टार्ट में सारा HTML लिख के लेते हैं, और वो कुछ इस तरह ही होता है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही है, यही सारे हेडिंग्स है। अगर आपको हेडिंग्स डालने हैं तो आप हेडिंग्स रिपीट भी कर सकते हो, H2 कितने भी बार रिपीट हो सकता है, H3 भी रिपीट हो सकता है। SEO रिकमेंडेड क्या है कि हर एक पेज पे H1 जो है वो एक ही बार आना चाहिए। तो H1 आपको जो आपका मेन टाइटल होगा वेबसाइट के ऊपर उसी को डालना है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बाकी सारी चीज़ें जो है, ये H2, H3, H4 ये सब आप रिपीट कर सकते हो पूरे पेज के ऊपर, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो ये सिंपल सा हमारा सिंपल वीडियो था हेडिंग्स के ऊपर। मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं बार बार कुछ चीज़ें रिपीट करता हूँ।
तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया है, हेडिंग्स क्या है, कैसे डालते हैं हम एचटीएमएल के अंदर, और इसमें 6 प्रकार की हेडिंग्स होती हैं। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैराग्राफ्स क्या है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।